पीएम मोदी को भी सत्ता से जाना होगा। वीएलआई ने उद्धव ठाकरे के शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है। सामना के संपादकीय में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा गया है। संपादकीय में लिखा गया, पुतिन की तरह पीएम मोदी को भी सत्ता से जाना होगा। बिहार की राजधानी पटना में वैगनर ग्रुप ने यह तय किया है। अखबार ने संपादकीय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल अमित शाह ने विपक्ष की इस मीटिंग को मैच फोटो सेशन करार दिया था। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि आज पुतिन के देश में क्या हो रहा है, पुतिन की ओर से अपनी सुविधा के लिए तैयार किए गए वैगनर ग्रुप नामक सेना ने ही पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। रूस में बीते कई सालों में हुए चुनाव मैच छलावा थे, पुतिन के लोग गड़बड़ी करके चुनाव जीतते रहे और संसद पर कब्जा किया। हिंदुस्तान में भी यही हाल चल रहा है। अब लोगों के मन में क्रांति की भावना निर्माण हो रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना संपादकीय ने लिखा है कि बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखने के लिए कई बिकाऊ लोगों को अपने इर्द गिर्द रक्षक बनाकर खड़ा किया है। कल यही लोग सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर वार करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। पुतिन के मामले में यही हुआ है, पुतिन के खिलाफ बगावत से साफ हो गया है। वैगनर ग्रुप की सशस्त्र सेना को रौंद डालेंगे, ऐसा ताव पुतिन ने दिखाया, लेकिन उनसे हुआ नहीं। किसी भी तानाशाह के मन में ऐसी दहशत कभी निर्माण होती है, पुतिन हो या मोदी, उन्हें बगावत का सामना करना ही पड़ता है। गौरतलब है 23 जून को पटना में 17 प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठक हुई थी। विपक्ष की इस बैठक के बाद अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा था कि विपक्षी लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए इकट्ठा हुए थे। अमित शाह ने कहा था कि कितने भी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। शाह के इस बयान पर सामना संपादकीय में तंज कसा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।